ओबीसी जो है उसको उसके ऊपर बहुत पहले से उसको धर्म की अफीम चटाई गई और उसको धर्म के ऊपर लाके थोप दिया। आप वो लोग अधिकार की तो बात करेंगे, पर जो ही अधिकार और मंदिर में से अगर कोई एक चीज़ को चुनना होगा तो फिर वो अधिकार को छोड़ के मंदिर को चुन लेते हैं। ये मानसिक गुलामी हटाने के लिए हम ऐसी पदयात्राएँ कर रहे हैं। ये जो पदयात्रा जो यहाँ आई है, ये जाति आधारित जनगणना को लेकर तो आई है, लेकिन इससे एक और भी चीज़ हमें मिल रही है। एक तो हमारे दुश्मन की हमें पहचान हो गई। देखिए, एससी के साथियों ने 5 जगह रात को रुकने का स्टॉप हमारा जो ठहराव था उसको किया, पसमंदा साथियों ने 1 जगह किया, सिर्फ ओबीसी के साथियों ने 2 ही जगह हमारा रात्रि ठहराव का कार्य किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूँ आपके साथ पूजा। बीते दिनों आपने एक हलचल सुनी होगी राजनीति में, और वो हलचल है जातीय आधारित जनगणना को लेकर। इसकी गूंज ज्यादा तो वैसे बिहार में सुनाई दे रही है, लेकिन इससे बाकी के राज्य भी अछूते नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप बाकी के राज्य देख लीजिए, ये सभी राज्य एक तरह से इसकी मांग कर रहे हैं, और इसे लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री से बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलने भी पहुंची थी, जिसमें उनकी सहायक पार्टी जो इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जो सत्ता में है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये चर्चा काफी गर्मा चुकी है, और इसे लेकर आज एक यहाँ भीम आर्मी की तरफ से मंडल आर्मी समिति की तरफ से यहाँ ये लोग आयोजन कर रहे हैं, और इनकी मांगे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना इस बार हो, और साथ ही जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर उसे सरकारें नज़रअंदाज जो करती आ रही हैं बीते सालों से, उसे अब नज़रअंदाज ना करें, और एक बार जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जाति में किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो उसे राजनीति में उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ महावीर गुज्जर जी मौजूद हैं, और मैं इनसे ही जानती हूँ कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और ये लोग क्या सरकार से कहना चाहते हैं। तो आज यहाँ से आप लोग क्या कुछ मांगे कर रहे हैं सरकार से? जी मैडम, हम एक पदयात्रा लेके आए हैं। यहाँ पे 30 युवा साथी हैं जो 10 दिवसीय पदयात्रा जयपुर के ग्रामीण से, जयपुर से स्टार्ट करके अंबेडकर भवन से और दिल्ली जंतर मंतर तक आए, लेकिन हमें कल करोल बाग रोक दिया गया पुलिस के द्वारा डिटेन करके। और 10 दिवसीय पदयात्रा थी जो रुकते रुकते कस्बों से आई, और हम इसमें 1,00,000 लोगों के डायरेक्ट टच में होकर आए हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं इसमें, जो पहली मांग है वो है कि जो 2011 में 5,000 करोड़ रुपये लगवा कर सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना करवाई थी उस आंकड़े उसके सार्वजनिक किए जाए, और उस 2021 के अंदर जो जनगणना हो रही है उसमें फिर से जाति आधारित जनगणना की जाए। जाति आधारित जनगणना पिछली बार भी हुई थी जब जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं सामने लाए गए थे, तो इस बार आप लोगों की मांग है कि वो आंकड़े पेश किए जाएं। एक सवाल जो इस वक्त सबके मन में है वो ये है कि आखिर फायदा क्या होगा जाति आधारित जनगणना अगर हो भी जाती है और आंकड़े भी पेश कर देती है सरकार, तो इससे किस समुदाय को कितना फायदा होगा? जी मैडम, इसको देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, अभी हम 30 साथी वहाँ से चल के आए हैं, और यहाँ स्वागत का कार्यक्रम जो रखना था वो मान लीजिए इन्होंने, इनको पता नहीं था हम कितने चल के आए, इन्होंने रख लिया 100 साथी होगा, तो ये तो नुकसान हो गया ना। और मान लीजिए कि इन्होंने रख दिया 10 साथियों का और हम 30 थे, तो भी नुकसान हो गया। तो सरकार ये कर रही है कि ओबीसी के साथ में, इस देश में एससी एसटी की तो होती है जनगणना जाति आधारित, ओबीसी के साथ में और मतलब पिछड़ों को नुकसान करने और अगड़ों को फायदा कराने के लिए ओबीसी के साथ साथ अगड़ों की जनगणना नहीं होती, तो वो इसलिए नहीं करते कि देखिए सरकार कर रही है 1931 के आंकड़ों के अनुसार ओबीसी के कल्याण की बातें। अब 1931 के अंदर मेरे परदादा अकेले थे, और वर्तमान में आप देखिए 1931 के अंदर मेरे परदादा अकेले, सरकार उसके हिसाब से हमारे कल्याण की बात कर रही है, और उसके बाद में मेरे दादा और 3 भाई हुए, फिर मेरे दादा और से मेरे पापा और 10 भाई हुए, और वर्तमान में हम जो पूरा परिवार है वो 40 बहन भाइयों का है। अब सरकार जो हमारा कल्याण करने की बात कर रही है वो एक व्यक्ति के अनुसार कर रही है, अब हमारी संख्या 40 है, तो क्या सरकार प्रॉपर तरीके से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तरीके से वेलफेयर कर पाएगी? तो उसके लिए तो आंकड़े चाहिए ना। सरकार एक तरफ से कहते हैं कि हम ओबीसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और एक प्रकार से तथाकथित 27 व्यक्तियों को भी ओबीसी मंत्री भी बनाए गए, लेकिन जो उनके पास आंकड़े ही नहीं है तो कैसे ओबीसी वेलफेयर की बात कर रही है सरकार? लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त देश में जब मंडल कमीशन भी आया था और जब ज़रूरत थी आरक्षण की तब आरक्षण दिया भी गया उन्हें उस हिसाब से, लेकिन अब सवाल ये है कि अब हमारे पास महंगाई है, बेरोजगारी है, और अगर आपको ओबीसी या बाकी कास्ट के हिसाब से वो जनगणना कर भी लेते हैं तो नौकरियां ही कहाँ हैं जो वो इसमें बांटेंगे? देश में नौकरियां उतनी तो है भी नहीं। मैडम देखिए, जो सरकार जो चुनी गई है ये तो स्थायी तौर से रहेगी नहीं, देश में लोकतंत्र है, देश में फिर से कोई सरकार आएगी, हो सकता है पब्लिक जागरूक हो इन जनयात्राओं से और एक ऐसी सरकार चुने जो संवैधानिक तौर पे संविधान के अनुसार राज्य करना चाहे, वेलफेयर करना चाहे, अभी मनुस्मृति के अनुसार नहीं करना चाहती है, तो वैसी सरकार आई तो ये तमाम संसाधनों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा, और जब राष्ट्रीयकरण होगा तो उनमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी देना होगा,
तो हमारी ये मांग है कि जब जनता को जागरूक होगी, उनको पता चलेगा कि जनता हमारे कितने लोग नौकरी लगने थे, कितने नहीं लगे, तभी तो उसके लिए कहेगी कि निजीकरण। अभी उनके लोग ही नौकरी नहीं लग रहे तो उनकी तरफ से कर दो निजीकरण उनको। एक देश का 70% आबादी आप सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों से वंचित रख रहे हो, तो उनकी तरफ से कुछ भी कर दो। अगर उन्हीं लोगों को आप समान रूप से उनका प्रतिनिधित्व देते तो ये लोग किसी हालत में निजीकरण नहीं होने देते। सीधा सीधा सवाल है कि क्या जाति आधारित जनगणना से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जी, जाति आधारित जनगणना से बेरोजगारी खत्म हो ना हो ये अलग प्रश्न है। बेरोजगारी जो समस्या है वो इंटरनेशनल लेवल से है। वो ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं है, इस देश के तमाम संसाधन हो, चाहे बैंकों से लोन मिलना हो, हम चाहते हैं उसमें भी हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। जितनी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लग रही है उनमें भी हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। कोलेजियम सिस्टम जो सरकार लागू कर रही है उसमें भी हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। देश के तमाम तरह के जो संसाधन है उनमें हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। कॉलेजियम सिस्टम की आपने बात की, तो कॉलेजियम सिस्टम को भी काफ़ी लंबे समय से लोग नकारते रहे हैं, इससे अब क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है जो पहले से चली आ रही है कि इसमें भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है वो है? जी, भेदभाव पूर्ण नीति होती है। अभी आप थोड़े दिनों पहले कल परसों का एक फैसला हाईकोर्ट का देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट का, उसमें वो स्वर्ण जज ने एक स्वर्ण लड़के को इसलिए बरी कर दिया कि वो IIT पास आउट और उसने एक मेरी बहन के साथ बलात्कार किया, तो बोला इसका भविष्य खराब हो जाएगा, ये देश का भविष्य है। तो ये ऐसी मानसिकता के लोग जब तक इस देश की न्यायपालिका में है, ये देश के लिए कलंक है कॉलेजियम जो है, और वंशवाद जो है न्यायपालिका का उसको ठीक करना होगा और कॉलेजियम को हटाकर देश के जो मूल निवासी बहुजन है यहाँ के उनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देना होगा। अभी आप देख लीजिए, इस वक्त OBC समाज जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद में देश में है और उनका रिप्रेजेंटेशन भी पार्टियाँ बहुत सारी कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो समाज अपने हकों के लिए खुद आगे नहीं आता। जी, ऐसा नहीं है, आ रहे हैं लोग, जबकि उसकी क्या है परसेंटेज है ना जो जनसंख्या की बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मूर्खों की संख्या भी ज़्यादा है और जो एक्टिव साथी हैं, और दूसरा उसमें एक मोस्टली चीज़ क्या है कि OBC जो है उसको उसके ऊपर बहुत पहले से उसको धर्म की अफीम चटाई गई और उसको धर्म के ऊपर लाके थोप दिया। आप वो लोग अधिकार की तो बात करेंगे, पर जो ही अधिकार और मंदिर में से अगर कोई एक चीज़ को चुनना होगा तो फिर वो अधिकार को छोड़ के मंदिर को चुन लेते हैं। ये मानसिक गुलामी हटाने के लिए हम ऐसी पदयात्राएँ कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियाँ लगातार इसकी मांग कर रही हैं जाति आधारित जनगणना की, आपको क्या लगता है वो उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है, देश में कभी ना कभी तो उनका शासन रहा है। मान लीजिए RJD है, वो बिहार में जब शासन में थी कराना था उनको, अभी JDU है उनको कराना था, कांग्रेस है इतने हल्ले कर रही है, राजस्थान में आप सरकार में हो, छत्तीसगढ़ में आप सरकार में हो, पंजाब में आप लोग सरकार में हो, तो वहाँ तो करवाइए, वहाँ जहाँ आप शासन में हो वहाँ तो पहले सिस्टमेटिक तरीके से कार्य कीजिए। आपने यहाँ पर जो नेशनल लेवल की बात कर रहे हो तो कुछ सालों पहले ही कांग्रेस थी देश में। अखिलेश यादव ने ये घोषणा कर दी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला काम हम यही करेंगे कि हम जाति आधारित जनगणना अपने स्तर पे, केंद्र की हम बात नहीं करते, अपने स्तर पे हम करवाएंगे, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? मैं तो अखिलेश यादव जी से भी यही कहना चाहता हूँ, आप जाति आधारित जनगणना को रह दीजिए, आपके बस की बात नहीं है, और परशुराम जी की मूर्तियाँ बनाइए बड़ी बड़ी हर एक कस्बे। मतलब OBC के जो अधिकारों की बात जो पार्टियाँ करती थी, आप कह रहे हैं कि अब वो पार्टियाँ, उनका मुद्दा भटक चुका है सब? जी, बिल्कुल उनका मुद्दा भटक, चाहे वो BSP हो, चाहे RPI हो, चाहे RJD हो, चाहे JDU हो, तमाम जो पार्टियां जो देश के मूल निवासी बहुजनों ने अपने हक अधिकार के लिए इन लोगों को चुना, इन तमाम लोग मुख्य रूप से इनको ऐसे लगता है कि देश में सिर्फ ये 3% जो वोट है वही वोट है, बाकी लोग तो ये मान लीजिए कचरा है। और अभी ये जो जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है, इसमें SC ST जो समुदाय है वो आपके साथ कितना है, वो इस मांग को कितना समर्थन कर रहे हैं? जी, ये देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो पदयात्रा जो यहाँ आई है, ये जाति आधारित जनगणना को लेकर तो आई है, लेकिन इससे एक और भी चीज़ हमें मिल रही है, एक तो हमारे दुश्मन की हमें पहचान हो गई। देखिए, SC के साथियों ने 5 जगह रात को रुकने का स्टॉप हमारा जो ठहराव था उसको किया, पसमंदा साथियों ने 1 जगह किया, सिर्फ OBC के साथियों ने 2 ही जगह हमारा रात्रि ठहराव का कार्य किया, 1 जगह ST के साथियों ने किया, और हमारा 2 जगह विरोध भी हुआ। जयपुर में हमारा विरोध हुआ, एक जाति विशेष के चोटी वाली जो जाति है एंटीनादारी, उसके द्वारा हम लोगों का विरोध हुआ, और जब हम दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं तो मानेसर के पास भी उस जाति के द्वारा हमारा विरोध हुआ। तो ये पिक्स हो गया इससे कि कौन हमारा अपना है और कौन दुश्मन है। SC ST के साथियों ने इस लड़ाई को यहाँ तक लेके आए, मैं उन साथियों को, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जगाने का जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विशेषकर शेड्यूल कास्ट के साथियों का बहुत योगदान है। इससे जाति आधारित जनगणना से कितना विकास होगा और क्या कुछ होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये जाति आधारित जनगणना होती है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगी कि उन्हें अपना वोट कार्ड कहाँ खेलना है? देखिए,
राजनीतिक पार्टियां हो या चाहे देश का आम नागरिक हो, ये लोग सब मंदिर के गुलाम हैं और जो देश की सर्वोच्च सत्ता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके गुलाम है। राजनीतिक तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष लीडरशिप है उनको सारे आंकड़े पता है और ये आंकड़े आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस देश में 70% से ऊपर ओबीसी है, क्योंकि आप 1931 के आंकड़ों को तो दरकिनार कर ही नहीं सकते, तो उन आंकड़ों के अनुसार भी सबसे बड़ी आबादी, तो आंकड़े तो उनके पास है ही, वो लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वे व्यवस्था के गुलाम है। और ये पूरा आंदोलन है जो जाति आधारित जनगणना को लेकर पदयात्रा आई है, इनका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन ही है। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी भी ओबीसी समाज के कई लोग हैं जो खुद को ओबीसी बताने से कतराते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ऐसे लोगों से मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट तो ये है कि आप तो पहले भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए कि किस आधार पे उनको ओबीसी कहा गया। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती उनको ओबीसी कहा गया, उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे उन्हें ओबीसी नाम दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग इसलिए थोड़े इसके प्रति मैं कहता हूँ कि थोड़े जागरूक नहीं है, उसका कारण ये है कि जितना उनका हक था, आप 52 पेटों को 27 रोटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग उससे वंचित रह गए, जिनको नहीं मिल पाया, वो लोग उस रुख से थोड़े रूट से गए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग इससे जुड़िए हमारे साथ और एक मजबूत ताकत बनिए। हम लोग ताकत बनेंगे, जागरूकता के साथ लड़ेंगे और एक बड़ा पंजा बनेंगे, बड़ी मुट्ठी बनेंगे, तो 100% जो हमारे जो दो तीन पीढ़ियाँ हमारी हक से दूर रह गई, आने वाली पीढ़ियों को वो संपूर्ण मिलेगा और ओबीसी गर्व से कहेगा कि हम इस देश के पिछड़े थे और हमारे विकास के लिए हम लोगों ने लड़ा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये बात कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।